सब नहीं भगवान जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की घट घट के अंतरयामी की महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर की जय बोलो विमल सागर की जय बोलो तनमति सागर की जय बोलो ज्योति सागर की जय बोलो भूमि सागर वर्तमान जनता सुनाए वर्तमान महावीर भगवान की जयकारा जोर से बोलिए। जन प्रतिनिधि भी सुन रहे हैं और सबको मालूम वैसे है कि बहुत उपास किए हैं लोगों ने, इसलिए आवाज थोड़ी कमजोर हो गई। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मती सागर जी महाराज की, परम पूज्य भिक्षुजी आचार्य सागर जी गुरुदेव की। चार दिन की जिंदगी तकरार किस लिए, रहती है दिलों में दीवार किस लिए, है साथ कुछ दिनों का, कुछ वर्षों का मान लीजिए, भरोसा तो नहीं है कि कौन कब किधर से निकल जाए। चार दिन की जिंदगी तकरार किस लिए, रहती है दिलों में दीवार किस लिए, है साथ कुछ दिनों का फिर सब जुदा जुदा, राहों में बिछाए फिर बैर के तार किस लिए, राहों में बिछाए फिर बैर के तार किस लिए। बैर छोड़िए और बैर छोड़ करके उत्तम क्षमा को हृदय में लगाइए। हर पल पुकारे आत्मा सबको क्षमा सबसे क्षमा, हर पल एक भाव होना चाहिए, मेरा कोई बैर विरोध नहीं है। सारी चीजें में दुनिया में सारी चीजें अपनी अपनी जगह ठीक और कभी किसी से तकरार होती भी है तो भी दिल में एक तरह का शुद्धता का परिणाम बनाना चाहिए। मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर होना चाहिए कि वास्तव में
लोग व्यवहार में भले मुझे कुछ भी रूप दिखाना पड़ता है, लेकिन वास्तव में कोई भी मेरा शाश्वत दुश्मन नहीं। और दुश्मन दोस्त कितनी जल्दी बन जाते हैं और कितनी जल्दी ही दोस्त दुश्मन हो जाते हैं, आप इस बात को विष्णु जी से पूछ सकते हैं। राजनीतिक पार्टियों में देखिए, महाराष्ट्र में कल तक उन्हीं के पीछे ईडी पड़ी हुई थी, देख लीजिए। कल तक जब तक उनसे मन नहीं मिल रहा था तब तक उनके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी, और जैसे ही वो हमारी पाले में आ गए वो दोस्त हो गए, आज सरकार में सत्ता में शामिल। अच्छा, अपने ही घर का कहीं दूसरी जगह चला जाए तो उसके प्रति कैसे कैसे विचार आ जाते हैं, इसके भी ढेरों नमूने हैं। लेकिन कोई नाम लेकर के हम किसी का मन नहीं दुखाना चाहते, सिर्फ कहना ये चाहते हैं कि जब हमारे विचार मिलने लगते हैं तो वो दोस्त कहलाने लगता है, और जब विचार नहीं मिल रहे होते हैं तो वो दुश्मन मान लिया जाता है। लेकिन ना वह व्यक्ति दोस्त है ना वह व्यक्ति दुश्मन है, ये हमारी सोच ही दोस्त और दुश्मन है। महावीर स्वामी कहते हैं सब लोग अपनी जगह ठीक है। चार बार रणिकांत कहता है कि कोई गलत नहीं है, उसकी नजर में ना वो सही है, आप उसे नहीं समझ पा रहे। और अगर आप दोनों एंगल से समझने लग जाएं तो निश्चित रूप से आप बहुत जल्दी आक्रोशित नहीं होंगे, बहुत जल्दी विचलित नहीं होंगे। इसलिए हम किसी की भी राह में बैर के कांटे ना बिछाएं। जरा सा मन नहीं मिलता है तो हम सोचने लगते हैं किस तरह से इसको मजाक दिखाया जाए। भाई किसी को मजा चकाने की जरूरत कहाँ है, संसार में ऐसा कौन है जो पूरी तरह से सुखी और आनंदित हो। थोड़े से साधु संत मिल जाए तो मिल जाए, वरना जिन साधु संतों ने अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट खड़े कर लिए हैं उनकी भी बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई। थोड़े से साधु संत मिल जाए कि जो सुखी और आनंदित हो, वरना कौन दुखी नहीं है, सभी दुखी। अब अलग से मजा चखाने की जरूरत कहाँ है, व्यक्ति पहले ही अपने आप से परेशान है। इसलिए आप सबों से आता है कभी इस तरह की गांठ मत बांध दिए कि इसे मजा चखाने के। आप अपनी लाइन बड़ी करो लेकिन किसी पर संकट आ पड़े ऐसी कोशिश मत करो। पहले ही क्रोध मान माया लोभ ये चार कसाय है, इसके साथ मद और मत्सर और जोड़ दो, षडरिपु हो गए। इस षडरिपु पहले ही सब लोगों को तंग करके रखा है, परेशान करके रखा है किसी न किसी तरह से। अब और आप क्या एक्स्ट्रा उसको परेशान करना चाहते। आप कहोगे महाराज जी सब लोग ऐसे सोचने लगेंगे संसार कैसे चलेगा, संसार तो चलेगा क्योंकि ऐसे सोचने वाले सब हो ही नहीं सकते, इतनी उदारता सब में नहीं आ सकती। दुनिया में बिरले लोग होंगे जो इस बात को भी तैयार हो जाएंगे कि मैं सीढ़ी बन जाता हूँ और आप ऊपर चढ़ जाइए, बहुत कम लोग होंगे। एक माँ बाप होते हैं जो बेटे को कहते हैं कि मैं हम सीढ़ी बन जाते हैं तुम ऊपर चढ़ो तुम आगे बढ़ो। एक संत होते हैं गुरु होते हैं जो शिष्य से कहते हैं कि मैं सीढ़ी हूं ना सीखो समझो और मेरे से भी आगे ऊपर चढ़ो। बाकी बहुत बहुत कम लोग मिलेंगे। अगर मेरा किसी ने सीढ़ी की तरह भी इस्तेमाल कर लिया तो भी कोई बात नहीं, डोंट वरी, कम से कम वो आगे बढ़ा चलिए कोई बात नहीं। इतनी उदारता होना बहुत दुर्लभ है, लेकिन जिनके भीतर आत्मा का ज्ञान होता है परमात्मा का ज्ञान होता है ईश्वरीय शक्तियों का विकास होता है उनकी सोच बदलती चली जाती है। विष्णु का वास है कण कण में,
हो सकता है कि पूर्वी दिल्ली में भी विष्णु का वास हो जाए। विष्णु का वास, विष्णु का मतलब ज्ञान स्वभाव वाला आत्मा। किसे हम छोटा कहें, किसे हम छोटा कहें, बहुत ऊंची बातें सिखाता है जिन शासन जिन धर्म। इसकी नजर में दुश्मन तो कोई है ही नहीं। अगर किसी ने हमारे तीर्थों पर भी हमला बोल दिया, मुनि राजों को भी तंग कर दिया, तो भी मुनि उसे दुश्मन नहीं मानते। वो कहते कि भाई इसकी ऐसे ही समय इसकी होनहार है, इसकी कर्म का उदय है, ये अपने कर्म से अपने विकारों से पीड़ित है, इसे क्या हम दंड दें, इसे क्यों तकलीफ दें। और इस महामंगलकारी वर्धमान स्वामी का, आदिश्वर स्वामी का शासन सबके हृदय में बसे। मिली थी जिंदगी अपने और दूसरों के काम आने के लिए। जिंदगी किस लिए मिली है? मिली थी जिंदगी अपने और दूसरों के काम आने के लिए। अपना काम तो यह है कि मेरी शुद्धि बढ़ती जाए, मैं हमेशा क्रोध में न डूबा रहा हूँ, मैं हमेशा वासना में न डूबा रहा हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं कि हमेशा विकारों में डूबे रहते हैं, हमेशा गेम खेलते रहते हैं, हमेशा किसी को नीचे पटकने की कोशिश करते रहते हैं, हमेशा। थोड़े भी समय ये नहीं आएगा कि कहें सर्वे भवन्तु सुखिनः। जबकि हमारे देश में तो बुद्धिमान लोगों ने प्रार्थना के आखिरी में भी ये श्लोक जोड़ रखा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हे भगवान सभी सुखी हो। यहाँ तक कि पशु पंछी भी, कीड़े मकोड़े भी दुखी ना। हम उस फितरत के लोग, चाहे पाकिस्तान में रहें, चाहे अमेरिका में रहें, चाइना में रहें, चाहे कनाडा में रहें, कहीं भी रहें, लेकिन सब सुखी रहें। और वो सुखी वास्तव में तब होंगे जब सद्बुद्धि आएगी। कोई लोग अगर अपने देश और समाज के लिए ही उल्टा सोचने लगे, कोई लोग यदि एक दूसरे पर आतंक करने का मन बनाते रहें, वो कहाँ सुखी रह पाएंगे। बावजूद हम फिर भी प्रार्थना करते हैं कि सब सुखी रहे, प्रार्थना करिए, एक ना एक दिन प्रार्थना सुन सुनी जाएगी, लोगों के मन बदलेंगे, बुद्धि बदलेगी, सुखी होंगे। मिली थी जिंदगी अपने और दूसरों के काम आने के लिए, पर सारा वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। लौट आएगी सारी खुशियां, अभी कुछ गमों का दौर है। लौट आएंगी सारी खुशियां, अभी कुछ गमों का दौर है, जरा संभल कर रहो ज्ञानी, ये इम्तिहानों का दौर है, संभल कर। कभी कोई अगर आपके सामने अक्खड़ बन के खड़ा भी हो गया तो आप घबराइए मत, थोड़ा सहनशील बन जाइए, बोल लेने दीजिए, क्या क्या उसे बोलना है बोल लेने दीजिए। कभी होता है ना कि कोई आके बहुत जोर जोर से बोला, आप ऑफिस से घर आए, बाजार से काम से घर आए, और श्रीमती जी ने बोलना चालू कर दिया। अगर आप बुद्धिमान हैं तो आप सोचते हैं कि चार छह दिन के बाद तो यात्रा से आया हूँ, व्यापार से आया हूँ, जो इकट्ठा हो गया निकल जाने दो, एक बार बड़ा सारी निकल जाए कि इस नंद ने ऐसा किया, कि माँ ने ऐसा किया, कि घर में ये हुआ कि वो नहीं हुआ, और तुम तो निकल जाते हो पाँच सात दिन के लिए, और क्या क्या होता है, क्या क्या देखना पड़ता है, हम ही जानते। तो जितनी बड़ा सा एक बार निकल जाने दो, और अगर तुम उस बीच में बोलेगे तो यमुना की बाढ़ की तरह तुम भी बहते चले जाओ, फिर तुम्हें बचाने वाला भी कोई नहीं है। मतलब है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो आपसे जुड़ा हुआ है, आपसे संबंधित है, अगर कभी उखड़ जाता है तो आप उसके साथ मत उखड़िए। तंबू का एक छोर उखड़ जाए और एक छोर ठीक से बंधा रहे तो भी तंबू, तो भी घर सुरक्षित रह जाता।
दूसरे छोर को आसानी से धीरे धीरे बांधा जा सकता है। इसलिए कोशिश हो नहले पर गैला ना लगाया जाए, और नहले पर गैला लगाना तो आजकल सबको आ गया है। नहला दहला तो जानते होंगे आप लोग, क्योंकि हम तो आज को खेलने को जुआ खेलने को मना करते हैं, फिर भी बातों के नहले दहले बहुत खतरनाक होते हैं। उसने अगर एक पोस्ट लिखी हम दो लिख देंगे, उसने एक गाली लिखी हम दो गाली लिख देंगे, ऐसे होता है, ऐसे नहीं करना है। क्यों किसी को तकलीफ देना, सौभाग्यशाली हो। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। हरि को का कछु घट गओ जो प्रभु मारीगा। एक बार देवता एक बार ऋषियों का समुदाय इकट्ठा होगा और उन्हें चर्चा चली कि दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल देवता कौन है, सबसे ज्यादा माने जिसमें महानता हो वो कौन है। तो सब ऋषियों ने अलग अलग कहना चालू किया कि भाई शिव जी बहुत महान है, देखो तो जहां तक भी गए। औरों को तकलीफ ना हो इसलिए वो जहर पी गए, कभी कभी होता है। और कभी कभी आप बोल भी पड़ते हैं ना कि भाई मैंने साल भर से जहर पी रखा है ना, मेरा मुंह मत खुलवाओ, मैंने बोलते हैं ना गुस्से में जब आते हैं। अब सामने वाले को चाहिए कि उसे पता पड़ गया है कि इनने जहर पी रखा है, और वो भी साल भर से पी रखा है, तो उसे चाहिए कि वो आगे तंग ना करे। और जब कह दिया है कि मेरा मुंह मत खुलवाओ तो मत ही खुलवाओ ना, लेकिन इसे भी चैन नहीं। ये कहता है कि तुम्हारा मुंह खुलेगा तो क्या हो जाएगा। और ये भी जबरदस्ती पीछे पड़ जाता है कि जो जहर भी रखा है वो बाहर निकालो और जो मुंह बंद कर रखा है वो खुलवाओ। शिव जी ने जहर पी लिया, महान है वो। लोगों ने कहा ब्रह्मा जी बहुत महान है। कुछ ऋषियों ने कहा सबसे बड़े विष्णु जी हैं। जो व्यक्ति में स्थिरता हो दृढ़ता हो धीरता हो सुनने की क्षमता हो विष्णु जी है। ब्रह्म ऋषि ने कहा कि देखिए आप सब अपनी बातें कर रहे हैं, अगर आप सब कहें तो मैं परीक्षा करके देखता हूं सच में कौन महान है, फैसला हो जाता। तो और ऋषियों ने कहा बहुत बढ़िया बात है, ठीक है आप प्रैक्टिकल करके दिखाइए। वो सीधे गए ब्रह्मा जी के पास, देखा कि वो जाप वगैरह कर रहे हैं, चुपचाप ध्यान वगैरह में बैठे हैं। और उन्होंने आते ही कहा यहाँ तो तुम बड़े ज्ञानी ध्यानी बने हुए बैठे हो और दुनिया में जनसंख्या इतनी बढ़ा दी है तुमने कि सारे लोग परेशान हो रहे, जनरेशन तो तुम ही करते हो, जनता की उत्पत्ति का काम तो तुम्हारे हाथों में, भारत की आबादी 140 करोड़ हो गई है और लोग पानी तक को परेशान हुए जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए इसमें मेरा क्या रोल है, प्रकृति रचना थी मैंने कर दी, बाकी तो जनता जाने। ध्रुव जी ने कहा कि सारी गलतियां आप स्वीकार करिए नहीं तो सारी व्यवस्था करिए। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा कि मैंने कोई ठेका ले रखा है,
अदनान साहब जी मेरे से माफ करने आ गए, चल निकल, गुस्सा करके उनको भगा दिया। शिव जी के पास पहुंचे, शिव जी तो कैलाश पर बैठे, आदिनाथ कैलाश पहाड़। इस मामले में शिव जी जो है आदिनाथ है, एक तरह से विचार करें तो कैलाश से पर्वत से कौन मोक्ष दे, आदिनाथ, आदिनाथ ही एक मायने में शिव है। लेकिन यहाँ जो शिव है ना वो पूरी शिव के रूप में है, भस्म वगैरह लपेट रखी है, गले में सांप है। और जैसे ही पहुंचे प्रभु जी को देख करके शिव जी ने बड़े आदर से कहा कि आप बहुत बढ़िया, कितने दिनों से मैं आपका इंतजार कर रहा था, वेलकम। प्रभु जी ने कहा कि वेलकम वगैरह छोड़िए, लोगों की समस्याओं पर ध्यान दीजिए। उनने कहा सबसे पहले तो तुम मेरे गले लगो, आज मैं बहुत खुश हूं। उन्होंने शिव जी को धक्का दिया कि ना दूर रहो, इतनी सारी भभूत लगा रखी है, इतनी सारी राख पोत रखी है, उस पर से गले में सांप। जैसे उनको धक्का दिया तो उन्हें गुस्सा आ गया, फिर वो वहां से भागे, पहुंचे विष्णु जी के पास। विष्णु जी आराम से कुर्सी पर, नागलोक में, पाताल लोक में आराम से नाग सैया पर विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं, आशय समझ ना, जाते ही उन्होंने आओ देखा ना ताओ एक लात मारी। प्रभु ऋषि ने लात मारी विष्णु जी को, उनकी तुरंत आंख खुली। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, देखा तो प्रभु ऋषि, उन्होंने तुरंत उनका पांव पकड़ लिया, पांव को मलने लगे। आप पधारे और मैं सावधान नहीं हो पाया, मुझे क्षमा कर। मतलब है लोक के स्वामी जो कहला रहे हैं और उन्हें लात मार दी जाए और फिर भी वो शांत और शालीन रहे, अगर कोई त्रुटि हुई तो मुझे क्षमा करें, आप आज्ञा दें क्या करना है। तब ये दोहा फेमस हुआ, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का हरि को कछु का घट गाओ जो भ्रभु मारी। अगर कोई छोटे व्यक्ति बड़ों के लिए तकलीफ दे दे तो थोड़ा धैर्य रखिए, उसकी उतनी ही सोच है। विष्णु जैसे गंभीर बन, क्यों जी विष्णु ऐसा गंभीर, विनयवान, विवेकवान, तुरंत उबलने से बहुत समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। हम माचिस की तीली नहीं है कि एक बार घिसें और आग लग जाए, एक बार घर्षण हो और आग जलने लग जाए। हम इंसान हैं, अगर कहीं घर्षण पैदा हो तो हम सावधानी रखें, आग लगने की संभावना ही पैदा ना हो पाए। क्षमा बहुत बड़ी चीज है, जैसे माँ सबसे बड़ी चीज है, ऐसे ही गुणों में क्षमा सबसे बड़ी चीज है। क्षमा करना आना चाहिए। वो द्रौपदी का वो प्रसंग देखिए, जब षड्यंत्र करके और उनके पुत्रों को मार दिया गया, द्रौपदी के सारे बेटों को खत्म कर दिया गया। किसने खत्म किया? अश्वत्थामा ने। जब भीम ने अर्जुन ने कहा कि कहो द्रौपदी अभी हम अश्वत्थामा को खत्म कर दें, जिसने तुम्हारे पुत्रों को मारा और तुम्हें रुलाया, हम उसे अभियान खत्म कर। द्रौपदी कहती नहीं, जिसने भी ऐसा अपराध किया है उसे क्षमा कीजिए।
क्योंकि अपने पुत्रों के अभाव में जैसी तकलीफ मुझे हो रही है, वो जिस माँ का बेटा है उसके मरने पर उसकी माँ को भी वैसी तकलीफ होगी। ऐसा कितना लोग सोचते हैं, यहाँ तो कहते हैं कि हम तुझे कुत्ते की मौत मारेंगे, हाँ तड़पा तड़पा की मारेंगे। फिल्म से देखते हैं आप लोग, ऐसे ही चलता है। मैं बैर और विरोध का ऐसा खतरनाक रूप बना के पेश करते हैं कि दुनिया में और नफरत बढ़े। आप राम जी का उदाहरण ले लीजिए ना, बहुत बहुत ही विवेक, बहुत मर्यादा, बहुत शालीनता के साथ युद्ध हुआ वो भी, और वो भी तब जब संदेश देने के बाद भी रावण नहीं माना। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सीधा वापस कर दे और हम वापिस जिस रास्ते आए हैं उसी रास्ते चले जाएंगे, एक भी बाण नहीं चलाएंगे। लेकिन वो अहंकारी का, वो कहता है सीता तो वापिस चाहे तो ले लें, दे भी दूं वापिस, लेकिन जब तक मैं युद्ध में जीतूंगा नहीं तब तक वापिस दूंगा नहीं। कौन को निमंत्रण उसने दिया? घायल होने के बाद, मृत्यु सैया पर पड़ने के बाद भी राम विनम्रता से पेश आते। ये हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार है। ये नहीं कि अब वो मजा चखाएंगे। वहां दोनों विद्वान हैं, एक विद्वान की आंखों पर पर्दा पड़ गया, इसलिए वो निंदा का पात्र बन गया, लेकिन दूसरे हर हाल में सावधान बने रहे। अंत में भी कहते हैं जाओ लक्ष्मण, ये महाविद्वान है, इनसे अब भी कुछ शिक्षाएं लेकर लिया। मतलब है कि हम अगर जीव को जानते हैं, आत्मा को जानते हैं, ब्रह्म को जानते हैं, तो शाश्वत रूप से हम किसी को अपना दुश्मन नहीं समझते, नहीं मानते, ना बनाते हैं। और जब मौका मिल जाए तो हाथ जोड़ करके क्षमा मांग करके पुरानी गलतियों के लिए क्षमा करा के हमेशा के लिए फ्री हो जाते हैं। त्रुटियां होती हैं, उठापटक होती है, लेकिन बैर नहीं बना लेना। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। अचार और मुरब्बा तो खूब खाते होंगे लोग, भले खाइए, लेकिन बैर का अचार और मुरब्बा कभी मत बनाइए। क्रोध वगैरह हो गया, क्षमा मांग के फिर हो जाएगी। मन साफ कर लीजिए जी, इतना बोझ लेके कहाँ जाएंगे। इतने सारे बैरी बनाते जाते हैं, वो अपना बोझ बढ़ता जाता है, अपना खतरा बढ़ता जाता है कि कब कौन किस तरफ से हमें तंग कर देगा। इसलिए कभी ऐसा माहौल बने तो मिच्छा में दुःखम उत्तम क्षमा। मोदी जी ने हैं संसद में प्रवेश करते ही उत्तम क्षमा मिच्छा में दुःखम, उत्तम क्षमा का दिन था उस दिन, संवत्सरी थी। निश्चित रूप से कम मुंह से तो कह के देखिए कि भाई क्षमा करिए, मुंह से कह के तो देखिए। जिसका मुंह नहीं बोल सकता है उसका मन क्या बोलेगा। मन साफ तब होगा जब मुंह से भी तो कुछ सफाई निकले। निश्चित रूप से हम इन बातों को गंभीरता से लें। और कहते ज्ञानी कहते हैं पूजा कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्रम कोटि समम जपः, जपः कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समम क्षमा। क्षमा कितना बड़ा धर्म है। वो कहते हैं कि करोड़ों पूजा करो बहुत अच्छी बात है, बड़ी बड़ी पूजा करिए, लेकिन करोड़ों पूजा से बढ़ के है एक स्तोत्र का पाठ, महामंगलकारी कल्याण सहस्रनाम, स्तोत्रों का पाठ। एक बोले करोड़ों स्तोत्रों से पाठ से बढ़ के है एक बहुत शालीनता से किया गया जाप,
मंत्र में डूब करके किया गया जाप वो स्तोत्रों से भी भारी है, और कहीं हजारों स्तोत्रों से बढ़कर के भी है। हजारों स्तोत्रों से बढ़कर के एक जाप, और हजारों जापों से करोड़ों जापों से बढ़कर के एक ध्यान, और करोड़ों ध्यान से बढ़कर के एक उत्तम क्षमा। बहुत सारा बदल उससे खत्म हो गया, सामने वाले का टेंशन खत्म हो गया। अगर तू तलाका हो करके वहीं का वहीं रह गया, वो अपनी नाराजगी में चले गए, वो अपनी नाराजगी में चले गए, सबसे बड़ा अंदेशा ये पैदा होता है कि अब ये मुझे वापिस मारेगा। डायलॉग्स तो चलते ही है ना, बोले मैं छेड़ा हुआ सांप हूं, अब मैं छोड़ूंगा, मैं किसी को छेड़ता नहीं, और जो मुझे छेड़ता है उसे मैं, मतलब है कि जिनसे तू तड़ाका हो गया और अलग अलग चले गए, उन दोनों में एक अंदेशा पैदा होता है कि बदला देगा, और उस कसाय और अंदेशे के कारण से शांति और सुकून नहीं हो पाता है। इसलिए क्षमा बहुत बड़ी चीज है। हम या तो उसे क्षमा, भाई मेरी त्रुटि है मैं क्षमा मांगता हूं और मैं आपको क्षमा करता हूं अगर आपने मेरे क्षेत्र कोई अपराध किया है। अच्छा, आप किसी को कहें मैं आपको क्षमा करता हूं, तो शायद वो पचा पाए ना पचा पाए, तो मुझे क्षमा करने वाला कौन होता है? मुझे नहीं करवाना क्षमा, जो कर सकता है कर ले है? ये कठिन है थोड़ा, ये हो सकता है कि मिच्छा में थोड़ा मुझे आप क्षमा कीजिए, गलती उसी की क्या ना हो फिर भी आप मुझे क्षमा कीजिए, एक बार मन से कचरा थोड़ा तो बाहर निकलेगा। इसलिए यह विश्व मैत्री दिवस है, पूरे विश्व को इसकी जरूरत है। फॉरगिवनेस डे, इंटरनेशनल अपोलॉजी डे, पूरे विश्व में एक दिन तो ऐसा आए कि एक दूसरे से क्षमा मांग ले। बड़े बने और क्षमा मांग ले, क्षमा रूप चिंतामणि रहती जिसके पास, विष्णु जी को पूरे लोक की चिंता रहती, क्षमा रूप चिंतामणि रहती जिसके पास, बनती क्षमा रूप चिंतामणि रहती जिसके पास, तीन लोक की संपदा बनती उनकी दास। क्षमा एक चिंतामणि है, क्षमा रूप चिंतामणि रहती जिसके पास, तीन लोक की संपदा बनती उसकी दास। परस नाम भगवान का उदाहरण, और हमारे देश में क्षमा की परंपरा हमेशा से रही है। आपको मालूम होगा एक जमाना था जब हमने पाकिस्तान के, हमारे देश ने पाकिस्तान के बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया, अपराध उनका था, युद्ध में हम लोग आगे बढ़ गए जीते, लेकिन अंततः क्षमा कर दिया और उनकी जमीन भी उनको वापस कर दी। डेढ़ों किस्से राम ने युद्ध जीता, कुछ नहीं लाए, विभीषण को ही वहां का राजा बना दिया, खाली हाथ में चला, हमें लेना देना कुछ नहीं है, हमारी मर्यादाओं की हमारे संस्कारों की रक्षा होना चाहिए, हर एक इंसान निर्द्वंद और सुख शांति से जीना चाहे। इसलिए हम भी क्षमा के रास्ते चले, इसमें ही आनंद है। कसायों में तो कुछ नहीं रखा है, आप इसे प्रवचन बस ना समझ ले, आज उन लोगों को जरूर फोन करना जो आपसे खटास खाए, बिल्कुल करना। सबसे पहला शब्द मिच्छामि दुक्कड़म उत्तम क्षमा, भाई साहब पिछले साल में जो गलतियां हो गई हैं
बहुत सारी गलतियां हुई हैं, कसाई बस बहुत सारी बातें हो गई हैं, आप मुझे क्षमा करें। सामने वाला उबलने लग जाए तो शांति से सुन लो या फिर फोन कर दो, हमारी तरफ से तो हिसाब बराबर हो गए, अब वो चाहे तो बराबर करें। हाँ बिल्कुल, चिट्ठियां लिखते हैं लोग, लेकिन उनको चिट्ठियां लिखते हैं जिनसे रिश्ते चल रहे हैं। बेटे ने सारी चिट्ठियां लिख करके तैयार कर दी, पिताजी ने कहा कि एक बार देख लें और फिर मैं पोस्ट कर देता हूँ। पिताजी ने दो तीन चिट्ठियां बचा ली और कहा ये पोस्ट कर दो बाद में। उन्होंने देखा ये तीन चार कौन सी बचा ली, देखा वो वाली चिट्ठियां बचा ली हैं जिन लोगों से विरोध चल रहा। बेटे ने कहा पिताजी ये चिट्ठियां तो सबसे जरूरी हैं, ये बाकी तो सब मिलने वाले लोग हैं, परिचित लोग हैं, जीती दो ना दो, ये चार पांच लोग जिनसे आपकी खटास हो गई, नहीं तो खास रूप से आपको क्षमा मांग लेना चाहिए, हमको क्षमा मांग लेना चाहिए, क्यों ये खटास और क्यों ये वैर विरोध बढ़ाना। पिताजी को मुश्किल से समझ में आया, पहले तो पिता ने को समझाया कि इस आदमी ने ऐसा गलत काम किया था, इसने सरेआम बदनाम किया था, इसने मंच से उतार दिया था, इसने पद से हटा दिया था, इसने संपत्ति दबा ली थी, सब चीजें। बेटी ने कहा जो हुआ बेटी ताही विसार दे, आगे की सुध ले, और जिनसे मन मुटाव है उनसे ही क्षमा मांगो ना। और वो चिट्ठियां सबसे पहले पोस्ट की गई, समझ में आती है बात, कोई समझाता है। रिश्तों में ऐसे रिश्ते बिगड़ जाते हैं, वर्षों तक चलते रहते हैं बिगाड़, भाई भाई में सिर्फ विवाद को तकरार हो गई कि जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी की चिट्ठी लिखी तो हमें क्यों नहीं साथ में बिठाया। अब बड़े भाई इस भरोसे में रहेगा कि छोटा भाई है, विश्वास पात्र है, साथ नहीं बैठा तो अभी साथी तो बैठा है। अब छोटा इस बात को लेके और सीधा थोड़ी सी पत्नी ने और हवा भर दी कि बहुत बड़े भाई साहब के तुम लक्ष्मण बने फिरते हो, तुम्हें बुलाया जब बिटिया की शादी की चिट्ठियां लिखी, अपने लड़के की शादी के कार्यक्रम बनाया, जब मंडप बुक करने गए तुम्हें लेके गए साथ में। छोटा एक बार कह भी देता है कि बड़े भाई ने उन्हें कर लिए तो मैंने कर लिए कि तो बात नहीं, तुम्हारी कीमत क्या है। कई बार हवा भरने वाले मिल जाते हैं। माताओं कभी भी हवा भरने वालों की भूमिका मत निभाइए, कोशिश करिए कि परिवार अच्छे से कैसे जुड़ा रहे। नई बहू आई और उसने जैसे सुन रखा है कि सासें ऐसी होती हैं, सासें वैसी होती हैं, सासू इच धासू, उसने सुन रखा है। आते ही उसने सतर्कता से काम चालू कर दिया, लेकिन सासू माँ पूरी सासू माँ है। उसने सोच रखा था कि बेटियों की बहुओं की जो सोच है उसे बदलना है। दूसरे घर से बेटी आई है और उन्होंने बिल्कुल शुरू से अपनी बेटी जैसा सीधा सिंपल व्यवहार किया, और जैसे उसने कुछ काम करने के लिए हाथ बढ़ाया तो बेटे रुको दो चार दिन शांति रखो, फिर तुम्हें ही तो संभालना है सब, और उसको खूब अच्छे ढंग से लिया। उसे आने लगा कि सारी सासें एक जैसी नहीं होती, मेरी सास तो एकदम मंदिर में। दूसरी महिला ने कहा कि तुम्हारी बहू कैसी है, मंदिर आती है सिर तक नहीं ढकती है। सासू ने उसे जवाब दिया कि बहू मेरी बहू भी है बेटी भी है, आजकल अगर बेटियां सिर न ढके हैं तो कोई आसमान नहीं पड़ जाता है। और बहू ने ये बात सुन ली, उसके मन में सास के प्रति कितना बहुमान कर रहा हूं, जरा सी बात में लंबे टाइम की दोस्ती हो जाती है, और जरा सी बात में जिंदगी भर के, जरा सी बात में। छोटे भाई ने कहा कि भाई साहब चिट्ठी लिखते वक्त हमें क्यों नहीं बुलाया, तेरी अगर वो थे तो क्या समझता है। उसके मन में बैठ जाएगा पता नहीं मुझे कुछ भी नहीं समझते, और अगर उसको कहा कि भाई ठीक है आप मैं भूल गया था और अब तू ही देख ले वो चिट्ठियां रखी हुई हैं, कुछ भी बात है किसी भी विषय को लेकर, और आगे से मैं ध्यान रखूंगा, तुम्हारी सलाह बहुत जरूरी होती है, इस बार मैं ऐसा किया तो मुझे नुकसान हो गया, मैं तुमसे पूछ लेता तो अच्छा हो जाता। तो
किसी भी चीज को संभालना या हैंडल करना है बहुत बहुत विवेक से होता है। ऊंचा नीचा हो जाता है किसी विषय को लेके, ऊंचा नीचा हो जाता है। एक विषय में दो तीन मत होना स्वाभाविक है। कोई बीमार पड़ जाए तो हॉस्पिटल, कौन से हॉस्पिटल ले जाना, इसमें ही दो तीन मत हो जाएंगे। फिर कौन सी दवा देना, इसमें दो तीन मत हो जाएंगे। फिर खाने में क्या देना घर में, इसी को लेके हो जाएगी बात है। तो भी इतनी समझदारी रखना कि सब लोग एक ही तो चाह रहे ना कि सब अच्छा रहे, सब स्वस्थ रहे। समाज में भी सब यही तो चाह रहे ना, मंदिर आलीशान ढंग से खड़ा रहे, पूजा धूमधाम से होती रहे। तो फिर एक दूसरे को विचार को समझ लिया जाए और मिलजुल करके काम करें, सब उत्तम रीति से एक दूसरे को साथ लेकर के आगे बढ़े। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावनाएं हैं वो हम अपने घर से चालू करें, अपने समाज से चालू करें, तो सारी दुनिया एक कुटुंब है, साथ रहें। बहुत अच्छा लगता है जब हम बोलते हैं वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। महावीर जो कहते हैं ना, जियो और जीने दो, बड़ी आत्मीयता इसमें भरी हुई है। परस्पर उपग्रह जीवन निश्चित रूप से जो प्राकृत भाषा में भरे हुए सिद्धांत हैं, संस्कृत भाषा में भरे हुए सूत्र हैं, वे देश और दुनिया को एक अच्छी दिशा देने में समर्थ हैं। हम खुद भी उस दिशा में बढ़े। एक छोटा सा सूत्र प्राकृत भाषा का जो बहुत फेमस है, खमामि सब जीवाणु सभ्य जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूदेशो वीरम मच्छमण के है। मैं सबको क्षमा करता, सभ्य जीवा खमंतु में सभी लोग मुझे क्षमा करें। मेरी सारी दुनिया से सब लोगों से मैत्री है, किसी से भी मेरा वैर भाव नहीं। और अगर किसी से हो तो किसी भी ढंग से आप निपट लीजिए, भले चिट्ठी लिख करके कि आज मेरा जन्मदिन है, या आज अमुक तारीख है, या आज आपका जन्मदिन है, या आज आपके बाबूजी का। वो किसी भी मित्र से एक छोटी मोटी चिट्ठी लिख के फोन करके और उस बात को थोड़ा हल्का तो कर ही दीजिए, ताकि बोझ लेके ना घूमना पड़े। क्रोध छोड़ करके क्षमा कर लेना, करा देना, एक तरह से बोझ उतार करके फेंक देना, इस बोझ से बचें और बोध को प्राप्त हों, यही मंगल भाव। जय बोलिए चैतन्य चमत्कारी पास नाम गुरुदेव की। अभी सभी से निवेदन है कि अभी 10-15 मिनट का समय हो दीजिए, 10 लक्षण वर्षियों का सम्मान होना।